Good morning, students. So we are doing revision, and in last period we have reached some exercise in Sanskrit, and today we are going to do in a Hindi. Okay, so here your revision. First one, you have to do sahi sandhya pehchan kar likho. Some words are given, it means sandhya is given, and this five types of sandhya. हमारे पास पांच प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. तो इन पांचों में हमें उनको क्लासिफाई करना है. सो फर्स्ट वन इज अशोक. अशोक एक व्यक्ति का नाम है. सो वी हैव पुट इट हियर इन अ व्यक्तिवाचक नाम. देन नेक्स्ट वन इज सुंदरता. सुंदरता यानी कि एक भाव, एक फीलिंग. सो उसे हम बहुवाचक संज्ञा में डालते हैं. पुस्तक. पुस्तक की एक जाति है, यानी कि बहुत सारे पुस्तक है लेकिन कौन सा पुस्तक है वो नहीं पता, सिर्फ पुस्तक है. सो उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रहेंगे. देन मेला. मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीजों का समूह वहाँ पे हमें दिखेगा, तो हम यहाँ पे उसको समूहवाचक संज्ञा में एड कर देंगे. देन नदी. नदी ऑल्सो वी हैव टू पुट इन अ जातिवाचक संज्ञा. क्यों? क्योंकि नदी बहुत सारी है, एग्जैक्ट कौन सी नदी है ये नहीं बताया गया, तो हमें नदी को जातिवाचक संज्ञा में ऐड करना है. एंड सोना. सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि अगर उसकी उसको हम बहुत ज्यादा तापमान पे गर्म करें या बहुत ज्यादा कम तापमान पे ठंडा कर दे, तो वो अपना प्रकार चेंज कर लेता, अपना आकार चेंज कर लेता, इसलिए वजह से वो द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐड होगा. नगर. नगर भी जातिवाचक संज्ञा में ऐड होगा, क्योंकि कौन सा नगर, बहुत सारे नगर रहते हैं लेकिन कौन सा नगर वो एग्जैक्ट बताया नहीं गया. देन यमुना. यमुना ये नदी है. ओके, सो नदी है तो उसको हम जातिवाचक में डालेंगे, पर कौन सी नदी है वो हमें उसका नाम दिया गया है, चूंकि यमुना, तो हमें उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐड करना होगा. देन दूध. दूध जो है वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में उसको हम ऐड कर सकते हैं. महाराष्ट्र कोई एक राज्य है, अगर हमें नाम दिया गया है, संज्ञा दी गई है राज्य, तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा में डालेंगे, लेकिन महाराष्ट्र दिया है, राज्य का नाम दिया है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐड करेंगे. देन क्रोध. क्रोध ये एक फीलिंग है, हम जो फील करते हैं, हमें जो उसकी अनुभूति होती है, तो उसे हम बहुवाचक संज्ञा में ऐड करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज परिवार. तो परिवार किस चीज से बनता है? घर में जो 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 जितने भी लोग रहते हैं उनके एक समूह से परिवार बनता है, तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा में ऐड कर देंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समानार्थी शब्द, यानी कि सिनोनिम वर्ड्स. सो फर्स्ट वन वी आर हैविंग इट इज सीमित. सीमित यानी कि कुछ एक एरिया में बंद हो या कुछ निश्चित, उसका मीनिंग होगा निश्चित. समानार्थी शब्द है निश्चित. ओके, तो एक निश्चित एरिया में, जैसे कि आप अगर क्लास में आते हो तो एक निश्चित एरिया में बैठ के आप पढ़ाई करते हो, आपके क्लास के अंदर बैठ के आप पढ़ाई करते हो, तो उसे निश्चित या सीमित, ये दोनों सिनोनिम वर्ड यू कैन यूज दैट. तट. तट यानी किनारा, जो समंदर का किनारा होता है या नदी का किनारा होता है. देन चंचल. चंचल यानी अस्थिर, जो यू कैन नॉट स्टेबल एट वन प्लेस, तो उसे चंचल कहते हैं. मेघ यानी बादल, दिस यू नो इन संस्कृत ऑल्सो वी हैव लर्न. आय. आय यानी आमदनी. आय इट मीन्स इनकम, एंड आमदनी ऑल्सो मीन इनकम ओनली. ओके, नित्य यानी ऑलवेज, एंड प्रतिदिन इट मीन्स ऑल्सो ऑलवेज द सिनोनिम वर्ड ऑफ नित्य इट इज प्रतिदिन. नजर. नजर इट मीन्स दृष्टि, हम जो देखते हैं वो समय.